मम्मा ये क्या है? परसों करवा चौथ है ना, तो उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ, सामान लेकर आई हूँ। लेकिन ये प्लेट, ये मटका। मटका नहीं कहते इसे, ये करवा है। अब सवाल जवाब बस कर, मुझे बहुत काम है। तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? व्रत वगैरह रखने का प्लान है क्या? नहीं यार, हम बंगालीज में नहीं होता करवा चौथ। ऑल्सो आई कांट स्टे हंग्री पूरा दिन। अरे तो जिस गली जाना नहीं उसके रास्ते क्यों नाप रही हो? मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस हो रही थी, अपने ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में पता होना चाहिए ना। और साथ में ये भी पता होना चाहिए ना कि डिनर टाइम हो गया। अरे हाँ, लेट्स ईट। एक तो ना मुझे हाइब्रिड वर्किंग बिल्कुल समझ में नहीं आता, या तो ऑफिस बुला लो या तो घर से काम करवा लो, पूरा स्लीप स्केड्यूल खराब हो जाता है। और वैसे भी मैं ना ऑफिस सिर्फ और सिर्फ रसमलाई के लिए जाती हूँ। आज तो यार एक पीस एक्स्ट्रा ले लो, कल पूरा दिन भूखा रहना है, चक्कर आ जाते हैं। यार मुस्कान, तू जबरदस्ती ट्रेडिशंस क्यों फॉलो करती है? करवा चौथ इज ऑल अबाउट लव एंड फीलिंग्स, तो ये जबरदस्ती बेमन व्रत रखने का क्या मतलब बनता है? यार मेरा मन नहीं होता रखने का, बट माय मदर इन लॉ भाई, नहीं रखा ना तो बस। वैसे दिया, तेरा भी तो पहला करवा चौथ है, तेरी मदर इन लॉ ने नहीं बोला रखने के लिए? नहीं यार, ऑल्दो यश के घर में इट्स अ बिग थिंग, बट मैंने बचपन से ये सब देखा नहीं है। एंड थैंकफुली माय मॉम आल्सो डिडंट फोर्स मी, उन्होंने बोला तुम्हारी मर्जी है, तो मैंने भी। वाओ दिया, दैट्स सो ग्रेट। मेरे लिए तो करवा चौथ इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डेज, ऐसे सजना सवरना तैयार होना और फिर चांद को देखकर छन्नी में सयान को देखना, आई फॉल इन लव विद हिम ऑल ओवर अगेन, और फिर हमारे बीच में इतना रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। और अगर बात उसकी लॉन्ग लाइफ की हो तो मैं आन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू भी फुल फिल्मी है यार ईशा। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ ना कि कल कौन सी साड़ी पहनूं। बताइए मैडम जी, ये या ये, दोनों में से कौन सा कुर्ता पहनूं मैं कल? उफ़ो, एक तो हर साल मुझसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हो आप करवा चौथ पे। रहूंगा क्यों नहीं, इतने साल से तुमने करवा चौथ मना मना करके मेरी उम्र 100 से तो पार कर ही दी होगी ना। क्या क्या बोलते रहते हैं। तुम छोड़ो। दिया बेटा। हाँ जी पापा। बेटा आप बताओ, ये या ये? वैसे तो आप दोनों में ही हैंडसम लगोगे, गो विद द ब्लू वन। है ना, मैं भी यही सोच रहा था। दिया इधर हो, तुझे बताओ। ये ना बताएंगे नहीं, पर हर साल करवा चौथ पे मेरे साथ पूरा दिन भूखा रहने की कोशिश करते हैं बेचारे। हाँ हाँ, और फिर चुप चुप के खाते भी हैं, और रात को बोलेंगे कि देखो तुम्हारे साथ मैंने भी पूरे दिन एक ग्लास पानी तक नहीं पी। I don't feel like. तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए आज? Work from home नहीं है तुम्हारा? तुम ना दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो जिसे किसी के जल्दी उठने से प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरी डिसिप्लिन्ड वाइफ, तुम आराम से उठो, मैं जा रहा हूँ। I'll see you शाम को। Bye. बेटा ये आपकी मम्मी का गिफ्ट है, इसे अपने कमरे में छुपा लो। आप मम्मी के लिए गिफ्ट लाए हो, सो क्यूट। बेटा साथ में व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम गिफ्ट तो दे ही सकते हैं ना। हाउ थॉटफुल यू आर।
दिया बेटा तो कुछ अपने लिए तो बना ले खाने को। हाँ मम्मी, अभी मेरा कुछ खाने का मन नहीं है, मैं बाद में ऑर्डर कर लूंगी। पक्का? पक्का। और आप क्या खाएंगे? हर साल यही सवाल करती हो, अरे मेरा भी तो व्रत है भाई। चलिए ठीक है, ये भी ठीक है। अरे यश, पहले तू मेरी और अपने पापा की एक बढ़िया सी फोटो खींच ले, चल। हाँ भाई, इतने अच्छे से तैयार हुए, एक फोटो तो बनती है। हाँ मैं कह रहा था दिया को भी बुला ही लेता हूँ, एटलीस्ट सेरेमनी तो देख ही लेगी। हाँ हाँ बुला लेना, जा। हाँ आप सब इतने शॉक्ड क्यों हो? तुमने भी व्रत रखा है? हाँ जी। पर तुम्हारे यहाँ तो करवा चौथ नहीं मनाते, फिर क्यों? मम्मी आप भी तो मेरे साथ दुर्गा पूजा पंडाल आए थे ना, और वहाँ पे हमारी तरीके से पूजा भी करी थी। इनफैक्ट हमारी शादी भी आपने हम दोनों के ट्रेडिशन के हिसाब से कराई थी, राइट? एंड मॉम आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने कभी भी अपने ट्रेडिशन मुझ पर इम्पोज नहीं करे। जैसे आप सब लोगों ने मेरा कल्चर एक्सेप्ट किया, वैसे मैं आपका कल्चर एक्सेप्ट करना चाहती थी। And I really wanted to celebrate this with my family. तो बस। भाई जल्दी जल्दी पूजा कर लो, मैंने भी सुबह से एक गिलास पानी नहीं पिया है। अच्छा? सुनो वो जो आपने जिस तरह से गिफ्ट छुपाई थी ना, उसी तरह से चिप्स का पैकेट भी छुपा लेते।